तो ये जो हमारी एक्सपेरिमेंट थी उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्विटर पे देखे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ दे आर डूइंग इट, और उसके बाद उसके आंसर्स प्रोड्यूस करने पे हम लोग वर्कआउट करें उसके आंसर्स. ठीक है, उसके आंसर्स वर्क प्रोड्यूस कर लिए और उनको पहुंचाएंगे कैसा, अगेन द ऑप्शन है, तो उनको पहुंचाएंगे कैसा, तो उसका भी हम आगे सोल्यूशन देखेंगे. पॉइंट्स आ गए कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नॉट नेसेसरी टू यूज ऑल ऑफ देम, सर्टन कैंपेन्स डू वेल ऑन सर्टन प्लेटफॉर्म्स. तो आपकी टाइप ऑफ ऑडियंस आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करने वाले हैं कौन सी कैंपेन आप यूज़ करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं और किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं. एनी क्वेश्चंस बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स हैव एन डिस्कशन टाइप हम प्रोसीड करें तो अच्छा रहेगा. नेक्स्ट, ये कंटेंट में जो है ये बी पार्ट का ये कंटिन्यूएशन है. कंटेंट में हम लोग उसको दो उसमें खास तरह से डिवाइड करते हैं. वीडियो है, दैट इज वीडियो इज नॉट राइट टॉपिक एक्चुअली, ग्राफिकल कंटेंट है और टेक्स्ट कंटेंट है. तो उसके बाद ग्राफिकल में भी वीडियो कंटेंट अलग आता एंड इमेजेस अलग आते हैं. तो उसका बेसिक रीजन यहाँ पे है कि वीडियो कंटेंट की रीच बहुत बहुत ज़्यादा है और उसकी रीच का एडवांटेज क्या है कि एक लेजी आदमी तक भी पहुँच सकता, पढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है मगर वीडियो सुनने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती. आप देखिए YouTube पे या WhatsApp पे मेजॉरिटी जो है बुजुर्ग लोग क्या देखते रहते, पढ़ते रहते या देखते रहते, वीडियोस देखते रहते. तो वीडियो इज द मोस्ट कंज्यूम्ड कंटेंट. तो वीडियो कंटेंट की एक अलग अहमियत है, इजी टू शूट फास्ट. ये एक हम लोग एक वर्कशॉप थी दिल्ली में जहाँ पे क्विंट मीडिया एंड बहुत सारे मीडियाज मिलके पूरे ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट मीडियाज के साथ डिस्कशन चल रहा था. तो वहाँ पे शादाब मोइजी क्विंट से आए हुए थे, तो ही वॉज गिविंग ए प्रेजेंटेशन ऑन हाउ वीडियो कंटेंट इज पावरफुल. तो उन्होंने बताया कि जो है वीडियो कंटेंट की जो अहमियत है और किस तरीके से जो है ना उन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं क्विंट वाले. तो ही सेड कि वी शूट ऑल वीडियोस यूजिंग जस्ट ए सिंपल मोबाइल एंड दैट वे सेल्फी मोबाइल या हाथ में एक डंडी लेकर. और उनका ये कहना था कि मैं नॉर्थ से साउथ, राइट से लेफ्ट, एवरीवेयर हर जगह गया हूँ एंड आई हैव डन ओनली यूजिंग माई मोबाइल. हर ये है कि इवन द होम मिनिस्टर, देन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ भी जब मैं इंटरव्यू लेने गया तो आई यूज्ड मोबाइल एंड ही वॉज लिटिल अपसेट कि कैमरा में नहीं आया था. तो यू हैव सच ए पावरफुल टूल इन योर हैंड. कितना पावरफुल टूल है, द मोमेंट आप निकालेंगे यू बिकम ए रिपोर्टर. द मोमेंट आप निकालेंगे तो आपके सोशल मीडिया कैंपेन के लिए यू हैव द बेस्ट कॉन्टेंट, फास्टेस्ट कॉन्टेंट, मोस्ट रीचेबल कॉन्टेंट, इलिटरेट तक पहुँचने वाला कॉन्टेंट. किसी को मराठी पढ़ने नहीं आती होंगी मगर समझने आती, उर्दू पढ़ने नहीं आती होंगी मगर समझने आती, हिंदी पढ़ने नहीं आती. तो दिस इज द थिंग, ये चीज़ को एंड टाइम. देखिए अगर लिखने में टाइम जाता है, मैं बोला था सदर साहब उनको लिखने के लिए अभी उन्होंने 2 दिन लगा रहे हैं लिखने के लिए, कितना टाइम जाने वाला है. मगर वही इन्फॉर्मेशन आप सामने वीडियो रख के रिकॉर्ड कर दीजिए, हाउ मच टाइम डज इट टेक, 15 मिनट्स. यू डोंट नीड टू एडिट. आज की डेट में कोई आपका एडिटिंग नहीं देख रहा है, रॉ वीडियोस चल रहे हैं. असल चीज़ क्या है जी, कंटेंट. जरा अगला असल चीज़ क्या है, कंटेंट. सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है. अब हमारी जो ये रहेंगी कैंपेन रहेंगी उसमें मेजर हमारा हम सर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं मगर अगर आप प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में देखे थे तो नीचे नेक्स्ट इज कंटेंट भी. कंटेंट इज द किंग. जब तक कंटेंट नहीं है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा आप लिख लीजिए, कंटेंट इज द किंग. अगर आपका कंटेंट बराबर नहीं है, आप चाहे 100 जो है टेक्निक्स यूज करें, टेक्नोलॉजीज यूज करें, यू विल नेवर एंड अप मेकिंग इट वायरल. वो वायरल होता ही नहीं, वो अपनी जगह पे अटका हुआ रहता. इट विल बी ऑलवेज विद इन द सेम प्लेस या 4 लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे. तो हमारे को ये इंश्योर करना है कि हाउ इज दिस गोइंग टू बी वायरल. बेसिकली आप एक कॉन्टेंट एक पीस को रखे और उस पर डिस्कस करिए कि ये अपील कर रहा है नहीं, आपको फर्स्ट टाइम देखते मज़ा आया या नहीं आया, ये पोस्टर देखते हंसी छुट्टी या नहीं छुट्टी, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, या ये पोस्टर सोचते आपको लगा कि बहुत ज़बरदस्त है, आई शुड शेयर इट. अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है तो सामने वाला भी शेयर करने वाला है. ये समझिए बेसिकली आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ को अगर वायरल करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा टेस्टिंग स्टोन है कि 4 इंसानों में पूछ लीजिए ये चीज़ वायरल होगी या नहीं होगी.
बहुत बोर हो रहा है इतना लंबा 15-20 मिनट तक एक ही बात एनआरसी पे तुम बोले जा रहे, नहीं समझ में आ रहा, क्यों समझ नहीं आ रहा, अच्छा है कंटेंट मगर 5-2 मिनट में बोलो, दिस इज व्हाट पीपल विल एक्सपेक्ट। तो वीडियो शॉर्ट भी होना है आपको, तो वीडियो की जो है एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, मगर वहीं पर टेक्स्ट की अहमियत को हम ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज देर इज़ ए क्लास जो टेक्स्ट पर रिलाई होती है। दूसरी चीज़, टेक्स्ट की अथॉरिटी अलग रहती है, जो टेक्स्ट कंटेंट रहता है उसकी अथॉरिटी अलग रहती है, उसके अंदर जो साइटेशंस कोटेशंस एंड ऑल दिस रहता आर्टिकल्स रहते हैं उसकी अथॉरिटी अलग रहती है। प्लस टेक्स्ट में टाइम को अगर आपको बचाना है तो यू कैन हैव वन लाइनर्स एंड टू लाइनर्स, जिसके लिए आपके पास ट्विटर है, तो वो मीडियम को हम मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करेंगे, वन लाइनर्स एंड टू लाइनर्स। नेक्स्ट, इसमें और एक पॉइंट कॉन्टेंट के इसमें मैं ऐड किया हूँ, ये कॉन्टेंट की हमारी जो स्लाइड चल रही है कि न्यूज पोर्टल्स, आई हैव एडेड इट स्पेसिफिकली इवन दो सो एक्चुअली ब्लॉग्स में आता था ये, उसको अभी न्यूज पोर्टल्स में, बिकॉज तो लोकल वाइज या इशू वाइज न्यूज पोर्टल्स दिस इज समथिंग, बिकॉज हमारे मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 44 जो है न्यूज पोर्टल्स चल रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, तो 44 न्यूज पोर्टल्स में से कुछ न्यूज पोर्टल्स ऐसे हैं दे आर क्रिएटिंग सच ए बिग वेव, इतना वेव बना रहे हैं, जैसा मैंगलोर एक शहर है वहाँ पे वार्ता भारती बोल के एक पेपर है, वो हम जब कैंपेन वो लोग कोई टेकअप करते हैं या स्पॉन्टेनियस कैंपेन्स रहते हैं वो लोग के यूजुअली, तो स्पॉन्टेनियस कैंपेन्स में एंड वो लोग मेन स्ट्रीम पेपर हो गए, पीपल कुछ लोग बोलते हैं कि मीन्स एक्सरसाइज का है वो पेपर, बट मेन स्ट्रीम पेपर है वो, एंड मंथली उनके जो है ना ऑलमोस्ट 20-25 मिलियन विजिट्स हैं उनके ऑनलाइन के, एंड दे हैव प्रिंट एडिशन ऑल्सो प्रिंटेड इन 3 डिफरेंट सिटीज, तो इतना वो लोग मेन स्ट्रीम हो गए, मगर उनका ऑनलाइन पोर्टल का रीच मैं बता रहा हूँ और कितना इम्पैक्ट डाल रहा है कि मैंगलोर में कुछ इशू हो गया था आज से 2 साल पहले, तो वहाँ पे जो है पूरा रॉइड्स होने का मामला, वो लोगों ने इमीडिएटली एक सप्लीमेंट एडिशन भी निकाला और ऑनलाइन में पुलिस का इंटरव्यू लेके डाल दिया कि एक्चुअल केस क्या है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा था कि जो है कोई हमारे फॉर्म का बच्चा किसी गैर फॉर्म के बच्चे को छेड़ दिया, मगर दैट वॉज नॉट द एक्चुअल केस, तो वो लोग पुलिस स्टेटमेंट लेके उसको वायरल करने में, तो वॉट हैपन्स इज अगर आप अपने एरिया में अथॉरिटी रखना चाह रहे हैं तो यू नीड टू हैव दिस मीडिया इन हैंड, आपके हाथ में मीडिया होना चाहिए, उसके मार्केटिंग के टूल्स बहुत अलग हैं वैसे, बहुत ही डिफरेंट अंदाज में जो उसके मार्केटिंग के टूल्स हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट एंड ऑल बहुत सारे चीज़ बनते हैं, मगर आई हैव एडेड इट ओवर हियर स्पेसिफिकली इसलिए कि आप या तो रीजनल लेवल पे उसको वर्कआउट करिए या फिर आप जो है कुछ स्पेशल आर्टिकल्स के लिए उसको रखिए, जो ऐसे आर्टिकल्स हों जो एक अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस न्यूज के जो एक इशू हुआ था मीन्स आर्टिकल 370 का, तो उसमें जो है ऑलमोस्ट 350 वेबसाइट्स फॉरेन वेबसाइट्स पूरे फॉरेन वेबसाइट्स 350 फॉरेन वेबसाइट्स है उसको बता रहे थे कि वो कितना एडवांटेजेस है जिसको स्क्रैप किए हैं और उससे जो ना क्या क्या फ़ायदा है, बट लेटर ऑन जब उसके ऊपर वर्क किया गया उसके डेप्थ में गया तक किया गए तो टर्की वालों ने निकाल के बताया कि दे ऑल आर ओन्ड बाई ए सिंगल इंस्टीट्यूशन, बट इंटरनेशनल लेवल पे एक वो बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए दे हैव डन वंडरफुल टास्क। अगर आप कोई एमपीज को जो है फॉरेन एमपीज को या यूरोपियन एमपीज को अगर आप वो फॉरवर्ड कर देते कि कितना ज़बरदस्त काम हुआ तो वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, तो दे डिड दिस वंडरफुल जॉब, तो सोशल मीडिया में दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट उसके जरिए से, लोग उसको कोट करते रहे, नो वन नोज कि वो किसका है, नाम कैसा है जेनुइन न्यूज़, तो बड़े बड़े इटालियन टाइम्स अब आप देख के समझेंगे अरे भाई इटालियन पेपर में भी जो है इसके बारे में आ रहा है, इसका इंडिया में बैठ के कोई चला रहा है, वी डोंट नो हु इज रनिंग इट राइट। तो आपको एक अथॉरिटी जो है ना बनाने के लिए लोकल प्लेस में अथॉरिटी बनाने के लिए, मैं फेक न्यूज़ में जाने की नहीं बात कर रहा हूँ बट आई एम टेलिंग यू सही न्यूज़ को भी आपको देने के लिए यू नीड टू डू ऑल दिस। आपको तो पोर्टल्स को मैं खास तौर से ऐड किया हूँ बिकॉज इट हैज इट्स ओन पावर इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको इसका रिजल्ट आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। और पोर्टल्स में आई वुड से कि पोर्टल शुड बी डिवाइडेड हाफ बिटवीन वीडियो, माने आधा टाइम जो है आपके लोग वॉलेंटरी हो या जो भी हो दे शुड बी वर्किंग ऑन ग्राउंड एज मोबाइल रिपोर्टर्स, मोबाइल है उनके हाथ में कुछ भी हुआ रिपोर्ट लिए हैं
आपको भेजा दिए, दिस इज हाउ क्विंट वर्क्स। वो लोग के पास है लोग, अरे फला जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लड़की को भेजा दिए, वो जाता वीडियो ले लेता, मेन ऑफिस में जाता, थोड़ी एडिटिंग हो जाती, अपलोड हो जाता। वायर का और थोड़ा डिफरेंट है उनका वर्किंग। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोग अभी दो पॉइंट्स ही कवर किए हैं, बी और सी। तो कुछ आप लोग के सवाल आते हैं यहाँ पे। अग्रीड, आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं क्या? न्यूज पोर्टल का ना? नहीं, वो तो वो लोग का एक गिमिक था, वो लोग ऐसे पीछे भी ऑर्गेनाइजेशन था एक बड़ा, जो 300 वेबसाइट चलाना एक आदमी नहीं चला सकता। तो वो लोग एक ऑर्गेनाइज मैनर में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स लिखा के डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कर रहे थे, और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनों के कितने लोगों से, मीन्स आप जस्ट इमेजिन करिए गई कितने लोगों के सामने उनकी क्रेडिबिलिटी है। वो तो झूठ पे खेले, मैं उस पर नहीं बता रहा हूँ, झूठ पे खेला अलग चीज़ है, वी आर नेवर गोइंग टू टच दैट फैक्टर। बट अगर आपको ये समझना है, या अगर आपको ट्रू सेंस में न्यूज़ या सोशल मीडिया समझना है, तो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, का वीडियो देखें देखें ना, तो क्रोनोलॉजी समझने के वीडियो में सास क्या है, पहले क्या आएगा सी ए बी, फिर एनआरसी आएगा। और हमारे देश के जो है ना प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि एनआरसी के बारे में आज तक कभी चर्चा नहीं हुई, तो क्या उनको मालूम नहीं था कि चर्चा हुई? मालूम था ना, मगर ये नैरेटिव उन्होंने रख दिए, 90% लोग बिलीव कर लिए ये नहीं हुआ, बिकॉज 10% लोग ही जो है ना वो पिंग ह्यूमन का क्रोनोलॉजी का वीडियो देखे थे, सही है ना? सिर्फ 10% लोग देखे, बाकी के लोग तो बोले भाई ये लोग सही बात बोल रहे हैं, आज तक एनआरसी का डिस्कशन ही नहीं हुआ, ये लोग पूरे एनआरसी बोल रहे, क्यों बोल रहे, दिखले तो बोल रहे। आधे लोगों का अगर आप जाके डिस्कशन देखेंगे तो दे विल द रीजन दे विल से कि जो है आप लोग मिसगाइडेड है, वो लोग बोलते हैं कि एनआरसी आने वाला है, बल्कि बात ही नहीं हुई, ये एनआरसी के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो जानते हुए उनको उनको मालूम है कि हमारा जो है ना ये झूठ जो है ना इन लोग के लिए, हमारा मीडिया हमारे पास इतना स्ट्रांग कर लिया है कि इट विल वर्कआउट। हो गया था डिस्कशन, हो गया कोई बात नहीं, आज अभी लोगों को संभालना है, बोल दो ये बात खत्म। तो कौन सच है कौन झूठ है उसकी बात नहीं है यहाँ पे, उनका बोलना है हम दोनों भी सच है, बस लोगों को बहलाना है और आगे बढ़ाना है। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि उस चीज़ पे हम हमारा नैरेटिव गलत नहीं रखते, हम लोग गलत रख रहे हैं, गलत रख के उनकी वीक कर रहे हैं। मगर अगर सिंगल आदमी है भी मालूम होता, अगर सिंगल आदमी भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो अगर वो सच है और अच्छा है तो वो आगे बढ़ेगा, एंड इट विल बी अप्रिशिएटेड। अच्छा, अभी मैं एग्जाम्पल जो दिया था पिंग ह्यूमन, उसमें कितने लोग हैं, कौन रोहित वर्मा एक अकेला आदमी है, बट ही कैन क्रिएट सो मच इम्पैक्ट। दो चीजें हैं, देखिए फोकस है उसका, उसका ब्यूटीफुल फोकस है, उसकी टारगेट ऑडियंस डिसाइडेड है, उसको मालूम है क्या चीज पे हिट करना है, ही इज डूइंग हिज जॉब अमेजिंग। तो हमको यहां से समझना है कि एक आदमी भी क्यों ना हो, अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो यू कैन डू इट। अभी आप देखिए यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो दिस इज ऑल अबाउट दैट, कि क्रिएट ए कैलेंडर फॉर द वीक, फॉर द मंथ, फॉर द डे, फॉर द ईयर। आप एक कैंपेन चला रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस यहाँ पे हम लोग हार जाते हैं, हम एक सोशल मीडिया कैंपेन रन करने जाते हैं, मगर वो एक दिन का कैंपेन रहता, या उसे मीन्स या इरादा होता है, सबको बोलते हैं फिर खत्म हो जाता। मगर जब आपके पास सोशल मीडिया कैंपेन का, एटलीस्ट हम लोग वी वर्क विद प्रोफेशनल्स ऑल्सो, मीन्स हम लोग कंपनीज के लिए जब वर्क करते हैं, तो वहाँ का मैं बता रहा हूँ कि हाउ इट बिकम्स फ्रूटफुल। इनिशियल में जब हम कैंपेन रन करते हैं या कैंपेन का डिसीशन होता है, तो कुछ चीज़ें डिसाइडेड रहते हैं कि इनिशियल में सिर्फ इस पर डालेंगे, और एवरीथिंग इज डिसाइडेड। एवरी मंडे एक एक वीडियो रिलीज होगा, एवरी मंडे सिर्फ वीडियो रिलीज होगा, वीडियो वो तीन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा, इंस्टाग्राम पे, IGTV है इंस्टाग्राम पे, और
दूसरा वीडियो आपका जो है फेसबुक पे रिलीज होगा, चैनल पे, पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं। तीसरा आपका कहाँ पे रिलीज होगा, आपके जो है ट्विटर पे होगा। एग्जांपल 1 मिनट का वीडियो करेंगे, उसको छोटा करके डालेंगे, टिकटॉक पे डालेंगे। तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज होते हैं वहाँ डालते हैं। बगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वेर वी लूज, हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं रहती, पूरा कैलेंडर नहीं रहता कि कौन सी पार्ट पे कब डालेंगे, फेसबुक पे कब डालेंगे, ट्विटर पे कब डालेंगे और कौन सा कंटेंट डालेंगे। सपोज मुझे एक महीना पहले मालूम है कि मेरे को एक कंटेंट प्रिपेयर करना है जो एवरी मंडे डालना है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। आपको मालूम है कि आपको ट्विटर का कंटेंट प्रिपेयर करना है जो एवरी मॉर्निंग डालना है आपको, तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो टाइम टेबल या आई वुड से कि जो है ना कैलेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनीज को रन करने या इंडिविजुअल आपके कैंपेन्स को रन करने, इनफैक्ट हमारे इंडिविजुअल ऑफिस में ब्लॉग्स को रन करने भी टाइम टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल फेल। तो वहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म है, एडवांस प्लानिंग एंड यूज स्पेशल डेज। देखिए जब आप प्लान करते हैं, व्हेन यू प्लान देन ओनली यू विल नॉट फेल, अदरवाइज फेमस कोटेशन है, इफ यू डोंट प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, इफ यू डोंट प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो हम यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी प्लान करने बैठे हैं। तो प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, चाहे आप एक ही जो है प्लेटफॉर्म पकड़िए, मगर ये प्लानिंग आप इंडिविजुअल लेवल पे करिए। मैं तो बोलूँगा कि इंडिविजुअल लेवल पे हर फर्द करें कि मेरा सोशल मीडिया पे किस तरीके से एक्टिविज्म रहना चाहिए और मैं क्या चीज़ को पकड़ने वाला। प्लस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, रीजनल आपके सिटी लेवल पर आप लोग डिसाइड करिए, आपकी टीम डिसाइड करिए सोशल मीडिया। बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब जब आप ये डिसाइड करते हैं तो यू विल गेट सम स्पेशल डेज, कुछ ऐसे दिन रहते हैं जहाँ पे आप ज़बरदस्त क्लिक कर सकते हैं और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होती, कंटेंट में भी क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होती, हर लिहाज से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू होती। नेक्स्ट, तो आप वो डेज को नेक्स्ट करिए, आप वो डेज को ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से जो है अपने कंटेंट को प्रिपेयर करना शुरू होती है। एक एग्जांपल है कैलेंडर का, कि फेसबुक पे मंडे क्या आएगा, ट्यूजडे क्या आएगा, वेडनेसडे इमेज बेस्ड पोस्ट आएंगी, फ्राइडे जो है कुछ ह्यूमरस चीज आएंगी। तो इस तरीके से व्हेन इट इज डिसाइडेड पीपल आर डिसाइडेड, व्हेन कंटेंट इज डिसाइडेड पीपल आर डिसाइडेड कंटेंट कम्स। नहीं तो सोशल मीडिया में हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंटेंट जनरेशन का है आजकल। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रैटेजी पूरी बना लीजिए आप, इट विल गो इनटू द डस्टबिन इफ यू डोंट हैव पीपल डिसाइडेड कौन क्या करने वाला है और कंटेंट कौन जनरेट करने वाला है, बिकॉज कंटेंट विल नॉट बी जनरेटेड जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे। और हमारा आइडियोलॉजी के हिसाब से कंटेंट जनरेट करना, फिर उसके लिए और वर्क करना पड़ता। नेक्स्ट, अभी आप ये देखिए, जब आप कैलेंडर बनाते हैं तो आपके जहन में हर चीज़ जहन में रहती है। यहाँ पर आप देखिए, मेरी क्राइसिस एंड ए हैप्पी न्यू फियर, तो ये दो चीज़ों को टारगेट करके उन कैलेंडर के हिसाब से जो है उनकी टारगेटिंग। कैलेंडर में न्यू ईयर आ रहा या क्रिसमस आ रहा, तो उस हिसाब से आपका सोशल मीडिया कैंपेन डायरेक्शन लेना शुरू करता, बिकॉज वो दिन वो चीज़ वायरल रहती, वो चीज़ ट्रेंडिंग रहती। अगर आप फादर्स डे के दिन एक ज़बरदस्त कुछ वीडियो बनाएंगे, आप देखते होंगे यूजुअली फादर्स डे के दिन कुछ इमोशनल ट्वीट आता या वीडियो आता, रो देख के आंसू में से कुछ लोग रो भी लेते कि अरे भाई कितना ज़बरदस्त था। हैप्पी मदर्स डे के दिन कुछ बहुत इमोशनल और भी निकाल देते, कौन निकालते हैं, सर्फ एक्सेल वाले, उनको एडवर्टाइजमेंट करना रहता उनको, मगर दे यूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो सोशल मीडिया में हम लोग जो लर्न करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज एंड टाइमिंग्स को यूज़ करना है, हमारे अपॉर्चुनिटीज एंड टाइमिंग। सर्फ एक्सेल वाला बकर रमजान की ईद को भी बहुत अच्छा यूज़ करता, ज़बरदस्त जो है वीडियो निकालता। तो ये हमारे को डिसाइड करना है कि ईद आने वाली है, एक्स वाई जेड आने वाला है, ये दिन हम यही करेंगे। तो टाइमलाइन जब बनता, कैलेंडर जब बनता, तो जब सब ये डिसाइड होते हैं, यू कैन डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, क्रिएट सपोर्टिंग विजुअल कंटेंट। नेक्स्ट, हाँ, वीडियो का तो एग्जाम्पल मैं दे दिया अभी आपको, क्विड का एग्जाम्पल जो है। इन्फोग्राफिक्स एक चीज मैं बताऊंगा, दो इन्फोग्राफिक्स जो है एक अथॉरिटी रहते हैं यूजली जब आप इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं। इन्फोग्राफिक्स कितने लोग समझते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, फ्यू पीपल। इन्फोग्राफिक्स ऐसे रहते हैं, दे आर नॉट जस्ट ग्राफिक्स, बल्कि दे हैव इन्फॉर्मेशन इन दैम, और इन्फॉर्मेशन के एंड में लिखा हुआ रहता। अगर सपोज हम एक चीज़ कोट किए हैं तो ये फलां लॉ के हिसाब से, ये फलां न्यूज़पेपर के हिसाब से, लास्ट में स्टार डले हुए रहते। मगर वो ग्राफिक को वन व्यू में, सिंगल व्यू में, या एक उसको पढ़ने के बाद, थोड़ा देखने के बाद ग्राफिकल रहता तो इट इज़ मोर अपीलिंग। आपको एक पूरा पेज पढ़ने से थोड़ा बोर होता, मगर इन्फोग्राफिक देखने में इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो
तो आप वो इन्फोग्राफिक देख के समझ जाते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग गिवन आउट. तो इन्फोग्राफिक्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें जो देयर इज अ टूल नोन एज पिक्टो चार्ट. पिक्टो चार्ट एक ऐसा जबरदस्त टूल है, लिटरली 15 से 20 मिनट्स में यू कैन क्रिएट अ वेरी वेरी पावरफुल इन्फोग्राफिक. आप उसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, फ्री टूल है. और हम लोग ने इतने ब्यूटीफुल उसमें इन्फोग्राफिक्स क्रिएट किया कि कमर्शियल लेवल पे भी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी दे वेंट वायरल. तो आप वो पिक्टो चार्ट को एक नोट कर लीजिए. नेक्स्ट, 1 मिनट वीडियोस. आई वुड सजेस्ट डी पार्ट है हमारा क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, तो उसमें 1 मिनट वीडियोस पे फोकस रखिए. हाउ यू कैन क्रिएट 1 मिनट वीडियोस. और 1 मिनट वीडियोस क्यों बोल रहा हूँ मैं, व्हाट इज द रीजन? जी एड नहीं आता. ठीक है, और डाउनलोड जल्दी कर लेते. ठीक है, डाउनलोड जल्दी कर लेते व्हाट्सएप में अगर आया तो. और वेरी गुड, अटेंशन स्पैन लोगों का इतना कम हो गया है कि आपको कम से कम टाइम में मैसेज देना है. और इंस्टाग्राम आपको 1 मिनट वीडियो सपोर्ट करता. मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स अभी 1 मिनट वीडियोस की तरफ जा रहे हैं. टिकटॉक आपको कितना सपोर्ट करता? 30 सेकंड सपोर्ट करता. तो आपको टाइम बेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कम टाइम में ज्यादा मैसेज, या एक मैसेज एक ऑब्जेक्टिव दे उसको पहुंचा दे. इमोशनली हो कैसा हो, वायरल बेसिकली हमारे पास वायरल कंटेंट का और एक टॉपिक है उसको हम सामने देखेंगे. और 1 मिनट वीडियोस आई वुड से इज द किंग. अच्छा, 1 मिनट वीडियोस का एक बहुत ही फेमस पर्सन है, कौन जानते हो उसको? नहास नहीं, यू आर इतनी यार. ठीक, नहास देवी, सुने होंगे नाम? नहास देवी 1 मिनट वीडियोस बनाया 300 डेज तक, कोई उसको रीच नहीं हुआ. आफ्टर 300 डेज जब उन्हें क्लिक हुआ, एवरी डे 1 मिनट वीडियो बनाता था पूरी वर्ल्ड फिरते हुए. तो बाय द एंड ऑफ हिज टूर या 300 डेज के बाद ही हैड उसका हर वीडियो ऑलमोस्ट 5 to 10 million व्यूज टच कर. बिकॉज जब मैं देखता था नाज देवी तो मुझे मालूम रहता था ये वीडियो कितनी देर में ख़त्म होने वाला है, 1 मिनट में. तो मेरा ऑफिस का टाइम भी नहीं जाएगा, मेरा कौन सा भी टाइम नहीं जाने वाला है, बस उठाया देख ली. और इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन था, इट्स अ लर्निंग एग्जाम्पल फॉर अस कि हम उसको कैसा यूज़ कर सकते हैं. मगर डेली 1 मिनट वीडियोज वो निकालता था और एक ज़बरदस्त जो है मैसेज देता था. ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैसेज के साथ देने की कोशिश किया हूँ कि कभी जो है आप नाज डेली आप देख लीजिए. अच्छा, आगे नेक्स्ट. हाँ, इधर और एक दो लाना हूँ क्रिएट नहीं बैठ लीजिए. इधर मैं पेइंग ह्यूमन जरूर दो चीज़ लिया हूँ. यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को मैं इसलिए लिया कि ये केस में दिस इज केस स्पेसिफिक. हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कैंपेन अभी डिज़ाइन हो रहा है दिस इज रिलेटेड टू द करंट हालात जो चल रहे हैं उसके रिलेटेड. तो उसके रिलेटेड जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं कि जरूर आटी इतना ज़बरदस्त वीडियो निकाल रहा है. और हम बहुत खुश हैं कि जो है बीइंग ह्यूमन इतना ज़बरदस्त वीडियो निकाल रहे हैं, आकाश इतना ज़बरदस्त वीडियो निकाल रहे हैं. मगर इसका रीच कितना तक है? कन्नड़ लैंग्वेज में मेजॉरिटी फार्मर्स या अनएजुकेटेड पीपल या जिनको हिंदी नहीं आती वो लोग ये वीडियो समझ ही नहीं सकते. क्रोनोलॉजी का वीडियो सिर्फ हम लोग सुने, बाहर का कोई आदमी नहीं सुना है, समझ रहे? जब तक इसके ट्रांसलेशंस नहीं होते. देखिए, दिस इज इजी पार्ट कि कभी कंटेंट बनाना है, कभी कंटेंट को एडिट करना है. पिंग ह्यूमन वाला भी एक्चुअली कंटेंट को मर्ज करता है. ही जस्ट यहाँ से उठाता है संबित पात्रा वर्सेस संबित पात्रा, दो संबित पात्रा जाए गलत गौरव रहता है. तो ही डजंट एक्चुअली मेक ए न्यू कंटेंट, बट ही जॉइंस देम एंड ही शोस देम द डिफरेंस कि क्या फर्क था. आज ये बोल रहे, कल ये बोल रहे, 2014 से पहले ये बोले थे, अभी ये बोल रहे हैं. एग्जाम्पल बताना. तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे वक्त पे? अगर हमारे को हमारी कैंपेन को इफेक्टिव बनाना है तो उसको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है. जो कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, जो प्ले कार्ड ऑलरेडी रेडी है, उसको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है. रीजनल लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करना है हमको? उन लोगों को रीच करने जो जिनको दूसरे लैंग्वेजेस नहीं आते. अदरवाइज हम वी आर लिविंग इन अवर ओन हिटो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज जस्ट लाइक द सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम मैं बताया ना फेसबुक का, कि आपको सिर्फ अच्छी न्यूज ही बताते रहता. हाँ, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे, पूरा इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा, खुश हो जाओ वैसे. तो वैसे ही जो है आपको यही मसला होता है जब तक वी डोंट ट्रांसलेट इट, इसकी रीच दूसरों तक नहीं हो सकती. अदर पार्ट विल नेवर अंडरस्टैंड बिकॉज उनका जो है रिक्वायरमेंट कुछ और रहते. नेक्स्ट,
ये देखिए इंफोग्राफिक्स पिक्टो चार्ट में उधर लिखा, तो ये इंफोग्राफिक हमारे ऑफिस में बना था, काफ़ी वायरल हो गया था। जिस दिन आया उस दिन एनआरसी का डिक्लेरेशन था, उस दिन टाइम बाउंड, जिस दिन टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम के हिसाब से उसको फटाफट जो है डाल के इसको डाल दिया, इट वेंट वेरी वायरल। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ वायरल करना है स्पॉन्टेनियस कैंपेन्स में, एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस, तो इस तरीके से आपको कैंपेन क्रिएट करना है, और दिस टेक्स 5 मिनट्स, लिटरली 5 मिनट्स में बता रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा आपको कोई और कुछ करना है तो डिफिकल्ट है, और ये पूरी चीज़ें रेप्लीकेटेबल है, बस क्लिक करें एक एक पॉइंट में रेप्लीकेट हो जाता है। तो एक छोटा सा इंफोग्राफिक का एग्जाम्पल है, नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे सी के ऊपर, सी एंड डी, कंटेंट था, और सी जो है आपका ये है कैलेंडर। मतलब आप जो वीडियो या फेसबुक और यूट्यूब पे बाद में वो आपको वही चीज दिखाते रहते हैं, जब हम कोई चीज इन्फ्लुएंस करेंगे तो हमारा टारगेट अपोजिट पार्टी भी वो रहना चाहिए, मतलब अपोजिट जो पब्लिक है असल टारगेट वो है, क्योंकि उन तक वो मैसेज नहीं पहुंच रहा, वो बैरियर को हम कैसे ब्रेक करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है कि असल हम वो बैरियर को कैसे ब्रेक करेंगे, तो आगे है उसका सोल्यूशन जो है, उसको हम कैसा ब्रेक करेंगे, एंड दैट इज द थिंग एक्चुअली, वही होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें होना चाहिए। बाद वक्त जो है, सपोज आपका एक इवेंट है, आप लोगों को इज्तम में बुलाना चाहते हैं, और इज्तम की तैयारी 1 महीना पहले से हो रही है, एक नॉट इज्तम आप जो भी बोलना है उसको, एक ज़बरदस्त आपका इवेंट है, तो आपके उसमें इन्वाइटेड आपके फ्रेंड सर्कल ही होंगे, तो वहाँ पे हमारा कैंपेन का देखिए, इसलिए फर्स्ट जो स्लाइड थी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, टारगेट ऑडियंस हम आपको डिसाइड करना है, तो वहाँ पे हमारी पूरी टारगेट ऑडियंस बदल गई, हमारी टारगेट ऑडियंस अदर साइड नहीं है, वो लोग आने भी नहीं वाले हैं आपके उसमें, उल्टा आके प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो या ऐसा जो कुछ प्रोग्राम है, तो इसके लिए आपको जो है आपकी टारगेट ऑडियंस चेंज होगी, उसके लिए क्या करना है, आगे आएंगे अगर मैं मिस किया तो आप याद दिलाइए, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शेड्यूल पोस्ट और किसी का सवाल है इससे पहले, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, आप उसका ट्रांसलेशन वॉइस ओवर करना पड़ेगा आपको, वॉइस ओवर या करके आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको इन्फॉर्म करिए, वैसे उसके वीडियोस यूजुअली नॉन कॉपीराइट हैं, क्रिएटिव कॉमन्स हैं, पीपल कैन सर्कुलेटेड, तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या अगर कुछ मसला भी हो रहा है तो आप किसी और से मिल सकते लिंक्स हैं, तो एक हम लोग एक सर्कल बनाए हैं जहाँ पर ध्रुव मराठी है, वली रहमानी है, ये लोग सब लिंक में हैं, तो उन लोग को हम लोग वहाँ से परमिशन इजीली निकाल ले सकते हैं, वैसे तो कोई रोकेगा नहीं आपको, जो काम हो रहा है उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो, मगर अगर इनकेस वो लोग उनके यूट्यूब में मेंशन किए कि वीडियो इज कॉपीराइट, तो फिर आपको डेफिनेटली परमिशन लेना पड़ेगा उनसे, मगर मेजॉरिटी वीडियो के किसी के भी कॉपीराइट नहीं, ऑल ऑफ देम कैन बी कोटेड एंड रिकॉर्डेड ट्रांसलेटेड, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टास्क। जी ठीक है, जब हम अदर साइड ऑडियंस टारगेट करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ट्रोल होने का, तो अगर अभी ये है तो या फिर नेक्स्ट सेगमेंट में तो होगी, आप मतलब ये रहते हैं कि मुझे तो पता है ट्रोल बहुत बुरी तरह से होंगे। जी सवाल रिपीट हो जाए? नहीं नहीं रिपीट नहीं है, आपका सवाल ये है कि जो ट्रोल हो जाए, ट्रोल जो है ट्रोल समझते हैं ना आप लोग, ट्रोलिंग बेंगलुरु में जॉब करते थे, ही सेड मैं साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो गया, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस एनी मोर, इतना मुझे जो ना ये लोग पीछे पड़े, तो साइकोलॉजिकली जो ही गॉट अफेक्टेड, उनको इतना ट्रोल किए पर्सनल लेवल पे, उनको धमकी, उनकी फैमिली को धमकी, उनके चीज़ा निकाल के बैकग्राउंड निकाल के वहाँ पे धमकी, कुछ ना तो कुछ करके, जैसे रविश कुमार को भी धमकी दी, बोलो उसका नंबर निकाल के सर्कुलेट कर दिया और बोले कि हर कोई इसको कॉल करके बोलो कि तू जिंदा नहीं बचेगा, तो दिस इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम एक्चुअली, कि ये होने वाला है अगर आप वाकई में जो है अदर साइड में घुस के कुछ काम करने वाले हैं तो। इसमें हम लोग जो दो ऑप्शन अपनाए थे, आई वुड बी वेरी फ्रैंक मींस, वैसे वो आ रहा है एक्चुअली आगे, उसको जल्दी लेंगे बेटर है, फ्लो रहेगा एक्सपीरियंस मेरे साथ बता। जी बोलिए। ये धरना चल रहा था माइक ऊपर,
आपका पेज का नाम क्या है? नौशाद उस्मान जी। अच्छा, आपके नाम से मेरा अकाउंट हो बैंक? अच्छा, कॉमन अकाउंट है। और आप ब्लॉग नहीं किए, उसके मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन आती है, किसी ग्रुप में आप शेयर नहीं कर सकते और 15 पर मिलता क्रेडिट भी देते हैं। जी जी, नहीं ये तो कुछ इश्यूज हैं बेसिकली, क्योंकि जो ट्रॉल आर्मी थी वो तो बहुत टारगेटेड वर्क करती थी, और खासकर से पर्सनल अकाउंट से जो लोग करते हैं उन लोग को बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग जो है मेंटली जो है हरासमेंट करते हैं। और दूसरी चीज़ हमको ये समझनी है कि FB इज नॉट बिजनेस, ओके, यू आर जस्ट यूजिंग द प्लेटफॉर्म। जी मैम, FB इज नॉट विद अस, मैं बस बोल देना है, जस्ट वर्ड। YouTube चैनल के लिए एक मिनट सिक्योर कैसा करें? जी तो, और हम लोग एक दो तीन न्यूज़पेपर्स के लिए, उसमें खास से एक जैसा कन्नड़ में इस्लाम कन्नड़ा वो चला रहे हैं, तो उसको विदाउट एनी रीजन ट्रोल्स ने उसके पीछे इतना जबरदस्त पड़ा कि इट इज नाउ नॉट अलाउड टू पोस्ट ऑन फेसबुक। आप पोस्ट कर सकते बट इट नॉट टू विजिबल करते, जीरो रीच, खराब जीरो रीच पर नहीं। तो ये लोग जो है, ये लोग के पास बिकॉज जब फेसबुक का एक न्यूज पोर्टल्स मीट हुई इधर हैदराबाद में, और अभी तो जब हैदराबाद में न्यूज पोर्टल्स मीट हुई तो वहाँ पे जो अपनी इंटरनल एनालिसिस है, इसको इंटरनली ही रखें, तो इंटरनली जो समझने आया है कि वहाँ पे जो है लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको जो है हमारे टाइप का कॉन्टेंट नहीं पसंद है, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा रिपोर्ट हो रही बार बार तो वो लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट होने नहीं दे रहे। तो इसका अल्टरनेट जो तरीके हैं इस पर वर्क करने के, मैं वो आपको आज के उसमें नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये अभी थोड़ी देर में ही शायद वो आ जाएगा। जी वो खुद की पोस्ट दूसरे ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते? हाँ, शेयर नहीं। फेसबुक का नियम ऐसा है कि अपन अपने पोस्ट दूसरे ग्रुप में बार बार शेयर करें तो 3-7 दिन 30 दिन के लिए ब्लॉक कर देता है। कंटिन्यू अपने को बार बार शेयर नहीं करना चाहिए। जी ग्रुप ग्रुप के करना चाहिए। नहीं वो तो सही है, नहीं वो लोग जो और बता रहे रिपोर्ट करें। जी बोलिए। नमस्कार, उस्मान साहब की जो बात थी उसके बारे में बढ़ाते क्वेश्चन करके, उनका अकाउंट का मामला था, अगर इसको YouTube चैनल के मामले में देखा जाए तो कम्युनिटी गाइडलाइन नाम का जो इफेक्ट होता है उसके तहत अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी पोस्ट करते हैं और अगर वो सामने वाले को अगर वो बुरी लगती है तो कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत कुछ कमेंट कर देगा, तो वहाँ पर चैनल जो है ब्लॉक होने का चांस है या चैनल बंद होने का चांस है, तो इससे महफूज रहने का कोई तरीका है या कोई इससे सेफ किस तरह से करा जा सकते हैं? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे कजिन ब्रदर हैं वो यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडेंस में आपके वीडियो जैसे अनो करते बैठे हैं, जितने भी स्पैम आते हैं, तो हैदराबाद के ऑफिस में हैं गूगल में, वो चॉकलेट्स मिलते रहते हैं खाते रहते हैं और खाली तो बस बटन दबाते रहते, किसी का आया यस दबाओ नो दबाओ, ये कमेंट खुदवा के हाँ यस करो, इनको ब्लॉक करो, दूर नहीं करो, तो उन्होंने कि आजू बाजू जितने भी बैठे हुए रहते हैं दे आर ऑल लेजी पीपल, उनको बहुत ज़्यादा जो है कुछ करना नहीं है, बटन दबाते चॉकलेट निकलता स्नीकर्स खाते रहते और साथ में जो है डेड डोजेस। और दूसरी चीज़ उसमें उन्होंने ये बताया कि मगर उसमें मेजर उन लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को वो लोग देखते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी चाइल्ड अब्यूज को वो लोग देखते हैं। रिलीजन में अगर देखते हैं तो अब्यूजिव पोस्ट है, रिलीजन में अगर है तो अब्यूजिव पोस्ट है, और अगर आप जो है किसी पर्सनल उसको अब्यूज कर रहे हैं, कोई पर्सनैलिटी को अब्यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो है इफ अनटिल एंड अनलेस कोई जो है पब्लिक फिगर है जो बहुत ही लोग उसको जानते हैं उसको अगर आप करेंगे तो दे विल नॉट डू इट, उनके गाइडलाइंस में आपके सामने रख दे रहा हूँ, उनके उनको जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उसके बाद अगर कोई बदमाशी करता है तो वी कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज इट इज एट द डिस्क्रिशन, आपको अपील करना पड़ता है, वो हायर लेवल पे जाता है।
मगर वो उन्होंने बता रहे थे कि मेन जो है इट इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल कॉन्टेंट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है हम लोग का, और रिलीजन में जो है कि रिलीजन तो अब्यूज करने पे है या कोई ऐसी चीज जिससे जो है फितना हो सकता है, वाकई में जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है सोसाइटी में, मगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स उसमें हम लोग को कोई इशू नहीं है, या आप अगर रिलीजियस पोस्ट डालते हैं जो अपने रिलीजन को प्रमोट करता है उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो यू कैन जस्ट टेक इट इन होल सेंस कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज अलाउ करता है वो जो है ना ऑलमोस्ट चीज़ें उन लोग के पास दे आर एक्सेप्टेबल या जो हलाल चीज़ें हैं। अब अगर हम किसी के खुदा को बुरा बोल रहे हैं तो ना वो इस्लाम में अलाउड है ना वो कुरान में खुला दिया हुआ है कि आपको नहीं करना है, और अगर हम कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होने वाले हैं। तो इसके अलावा भी होंगे क्योंकि तो बहुत ज़्यादा अदर आइडियोलॉजी के लोग आ गए हैं, तो इट्स गोइंग टू हैपन। उसमें कमेंट नहीं है, यूट्यूब में कमेंट नहीं बोलता। ठीक हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल सेशन भी करना है हम लोगों को। जी सर, कैन वी यूज फेक अकाउंट्स टू अवॉइड ट्रोलिंग? फेसबुक पे नहीं कर सकते आप फेक अकाउंट्स यूज, तो नहीं फेसबुक पे आप थोड़ी देर में आपका पांचवे दिन में ही आपका अकाउंट डिलीट हो जाता, दे आर वेरी फास्ट, आप फेक अकाउंट्स यूज करने गए था। और फेसबुक में आप पेजेस बना सकते, पेजेस किस तरीके से बना सकते हैं आप, एग्जाम्पल बोलिए अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी नाम से पेज बन सकता है, ठीक है, यू गेट माय पॉइंट राइट। और पेज से आप कमेंट भी कर सकते हैं, अभी आपको मालूम है आप दूसरों के उस पर जाके आप फेसबुक के उससे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो जी ठीक है, आगे बढ़ें। तो शेड्यूल पोस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जब आपके पूरे लिखा हुआ है शेड्यूल एंड मार्केट है, तो एक तो ये है कि हम पोस्ट जब हो जाएंगे तो सपोज आपका जो भी कैंपेन होगा, अगर कैंपेन बड़ा है तो वी विल हैव ए कैंपेन मैनेजर, एक वो कैंपेन मैनेजर आपका जो भी रहेगा, कैंपेन मैनेजर या एडिटोरियल आपका जो कैलेंडर मैनेजर रहेगा, उन्होंने पोस्ट को शेड्यूल करेंगे, कैलेंडर के हिसाब से शेड्यूल करेंगे। द रीजन आई एम टेलिंग शेड्यूल इज कि या इंडिविजुअल अगर वर्क कर रहा है तो ही कैन नॉट पोस्ट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स या किस टाइम पे किस वक्त पे शेड्यूल होना है। तो सम ऑफ द सोशल मीडिया फेसबुक अलाउ करता है कि शेड्यूल कर सकते हैं आप पोस्ट को, खासतौर से आपके पेजेस में। और दूसरा एक टूल है ये गुड सूट, वो आपको मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म पोस्टिंग एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन देता है फ्री में टू ए सर्टन एक्सटेंट, एक दो तीन प्लेटफॉर्म्स आप ऐड कर ले सकते हैं और उनके ऊपर कब कब पोस्ट होना है और कैसा पोस्ट होना है वो पूरे ऑप्शन आपको देता है। तीसरा जो है आप अपने ओन ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, टीम अप्स वो भी आगे पूरा टॉपिक है, चौथा है लास्ट है इन्फ्लुएंसर्स, तो ये पूरों को जो है हम यूज करेंगे। तो ये कंटेंट वायरल करने के उसमें भी आता है, तो यहाँ पे अगर हम एक नेक्स्ट करिए आप लाइक जी ये लास्ट एस देख लेंगे बिकॉज ये पूरा हमारे स्ट्रैटेजी का है, उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोग के क्वेश्चन हैं तो वो आप लोग ट्राई करके आप लोग यहाँ पे बोलिए, उसके बाद शायद वो आगे आ भी जाएंगे वो पॉइंट। तो जब आपकी कैंपेन पूरी हो जाती है तो आपको असल जो चीज़ टच करना है, सपोज आपको ऑब्जेक्टिव दावा था, तो दावा की उसमें आपके पास कितने लोग कनेक्टिविटी में आए फिजिकली, मीन्स आप उनसे बात कर रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड, कितना तक जो है फुरकान कुरान को आप पहुँचाए, कितना तक, दिस इज हाउ यू गो टू कैलकुलेट नाउ अपनी कैंपेन को। तो आपको कैंपेन को कैलकुलेट करना है, वीडियो को कितने व्यूज गए, कितने कनेक्शन फॉर्म है, सपोज मैं इंडिविजुअल कैंपेन रन कर रहा था तो आई विल इवैल्यूएट माय सेल्फ आफ्टर एन मंथ एंड सी कि मेरे ट्विटर में कितने कनेक्शन बने पड़े, हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग मी, इंस्टाग्राम में कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड टॉप कॉन्टेंट एंड मेरा लोएस्ट कॉन्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन कॉन्टेंट पर अगेन से लोएस्ट एंड टॉप कॉन्टेंट, देयर इज समथिंग नोन एज फैन पेज करामा। तो फैन पेज करामा एक ऐसी वेबसाइट है जिसको आप जिसे फ्री स्पेशली फॉर 15 डेज बहुत ज़्यादा आपको डेटा देती है, तो आप दो चीज़ कर सकते हैं इसमें, एक तो अपने कॉम्पिटिटर को उधर डाल सकते हैं और अपने आप को डाल सकते हैं, और वो पूरी एनालिसिस देता है आपको वन मंथ की कि आपका कौन सा पोस्ट कितना अच्छा वर्क करा, कितने लोग लाइक करें, कितने लोग कमेंट करें, टॉप कमेंटेटर्स कौन है आपके पेज पे, कौन से लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, तो यू विल गेट टू नो हु इज मोर इंटरेस्टेड इन योर पेज, उनको आप पकड़ के फिर अपनी आर्मी में ले सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट, आप उनको पकड़ के वहाँ से जो है अपनी आर्मी या अपनी टीम में ले सकते हैं, उनको जो है ना वर्चुअल आपका जो है पूरा
आर्मी बन सकती, क्रिकेट हो सकती। तो फैन पेज बराबर में आपको जो एनालिटिक्स आते हैं, जो देयर सो एनॉर्मस, सो एनॉर्मस, इतने ओवरवेलमिंग रहते हैं कि कौन से टाइम पे आपका पोस्ट ज्यादा क्लिक हो रहा था। अगर आप सुबह में पोस्ट करें, शाम में पोस्ट करें, तो कौन से टाइम पे आपका पोस्ट आपका ज्यादा क्लिक हो रहा था। तो प्रैक्टिकली मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, तो शायद वीडियो क्लोज हो गई, तो उसको हुआ तो थोड़ा टाइम लगा। तो मैं आपको फैन पेज कराना है, पिक तो चढ़ दो भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। और तो इस तरीके से हम हमारी कैंपेन को मॉनिटर करेंगे, जिस कम्स टू द एंड ऑफ अवर कैंपेन, ओवरऑल जो है ना हमारा कैंपेन एंड होता है।